Today we see how to find out area of trapezium, quadrilateral, some special quadrilaterals and polygon. So, सबसे पहले है area of trapezium. तो trapezium की figure कैसे होती है? Somewhat like this. Basically, trapezium में क्या होता है? दो side होती हैं, वो parallel होती हैं. तो ये भी हमारा trapezium हुआ. If suppose कुछ इस तरीके से figure है. तो ये भी हो गया ट्रेपेजियम. सो इन दिस केस वी कैन से दैट इन द ट्रेपेजियम टू साइड्स आर पैरेलल. सो बेस्ड ऑन दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड. सो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे है सबसे पहले ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इन ब्रैकेट sum of the length of parallel side. Sum of the length of parallel side. So, यहाँ पे parallel side कौन सी है? This one and this one. तो ये दोनों side का sum, then उसके बाद into perpendicular distance between them. So, between them means कि ये दोनों parallel side के बीच में perpendicular distance कितना है? Here the word is perpendicular. Perpendicular means कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितना है वो हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में. तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है हाइट. सो हियर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मीन्स की हाइट. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल. सो यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जनरल क्वाड्रिलेटरल. तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे कौन सा है क्वाड्रिलेटरल? ए बी सी डी. नाउ यहाँ पे अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ, डायगोनल ए सी, तो यहाँ पे कितने टोटल टू ट्राइंगल फॉर्म हो गए. वन इज ट्राइंगल ए बी सी, दिस वन, एंड वन इज ट्राइंगल ए डी सी, दिस वन. सो बाय ड्रॉइंग अ डायगोनल, सिंगल डायगोनल, हियर वी कैन फॉर्म टू ट्राइंगल. सो अब हम क्या करेंगे? इंडिविजुअली ये दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया इक्वल्स टू होता है वन हाफ बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे बेस क्या है? ए सी. तो यहाँ पे हो गया वन हाफ ए सी इंटू, यहाँ पे हाइट होगी एच वन, प्लस ये वाली ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? अगेन बेस इंटू हाइट. तो वन हाफ बेस हो गया ए सी इंटू हाइट, यहाँ पे ली है एच टू. नाउ यहाँ पे हम दोनों के केस में देख सकते हैं ए सी है वो कॉमन है, तो वो बाहर ले लेते हैं. तो यहाँ पे वन हाफ ए सी, दोनों में वन हाफ ए सी कॉमन है. तो यहाँ पे वन हाफ ए सी कॉमन ले लिया इंटू इन ब्रैकेट एच वन प्लस एच टू. नाउ ये ए सी, ए सी क्या है? ए सी रिप्रेजेंट द डायगोनल. सो यहाँ पे हो गया वन हाफ डी इन ब्रैकेट एच वन प्लस एच टू. सो बेसिकली यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या हो गया? वन हाफ इंटू डायगोनल इन ब्रैकेट एच वन प्लस एच टू. तो जब भी आपको कुछ एरिया फाइंड आउट करना है क्वाड्रिलेटरल का, तो उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है. Now, next topic is area of special quadrilaterals. तो special quadrilateral में सबसे पहले हम देखेंगे for rhombus. तो rhombus के केस में क्या हो जाएगा? Area of rhombus ABCD equals to area of triangle ACD plus area of triangle ABC. So this is somewhat similar to the general quadrilateral. उसमें भी हमने क्या किया था? दोनों triangle का area individually find out करके उनको add कर दिया था. तो यहाँ पे special में भी यही चीज़ होगी. Now here सबसे पहले rhombus की figure given है, figure number 11.13. यहाँ पे A B C D. Now सबसे पहले है area of ट्राइंगल ए डी सी. तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? वन हाफ ए सी इंटू ओ डी.
सो ये हो गया 1/2 ए सी इंटू ओ डी. नाउ ये वाला ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 अगेन बेस ए सी इंटू हाइट ओ बी. सो यहाँ पे हो गया 1/2 ए सी इंटू ओ बी. नाउ अगेन ये दोनों के केस में 1/2 ए सी है वो कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया. इंटू ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या है, ओ डी प्लस ओ बी, तो यहाँ पे लिख लिया इन ब्रैकेट ओ डी प्लस ओ बी. नाउ लेट अस सी इन द फिगर, ओ डी प्लस ओ बी ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सेकंड डायगोनल बी डी. ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये पूरा हो जाएगा बी डी. तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ए सी एज इट इज और ये दोनों का सम हो जाएगा बी डी. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए डी क्या है, ए डी है फर्स्ट डायगोनल और बी डी है सेकंड डायगोनल. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 D1 into D2, that means की diagonal number 1 and diagonal number 2. So ये वाला जो है ये हो गया हमारा formula of special quadrilateral, that is rhombus. Area of a polygon. We split a quadrilateral into triangles and find its area. Similar methods can be used to find the area of a polygon. Observe the following for pentagon. तो यहाँ पे एक pentagon given है 11.15. तो अगर इसका हमें area find out करना है, right? This is basically polygon. तो इसका अगर हमें area find out करना है तो कैसे करेंगे? So यहाँ पे क्या किया है, दो diagonal construct किए हैं, that is AC and AD. तो यहाँ से AC और AD दोनों diagonal construct किए हैं. तो इससे total कितने तीन triangles form हो रहे हैं. First one is triangle ए बी सी, तो ये वाला ए बी सी. देन सेकेंड वन इज ट्राइंगल ए सी डी, सो हियर ट्राइंगल ए सी डी, दिस इज द सेकेंड वन. एंड लास्ट वन इज ट्राइंगल ए ई डी, सो हियर इज ट्राइंगल ए ई डी. तो ये हो गया हमारा थर्ड ट्राइंगल. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तीनों ट्राइंगल का इंडिविजुअली सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको एड कर देंगे, तो हो जाएगा वो एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन. नाउ इन द केस ऑफ एरिया ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन कैसा है उसके बेस पर से उसका फॉर्मूला है वो डिफर करेगा. सी यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, तीन ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, तीन ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं. और यहाँ पे ये वाला पोर्शन है वो है ट्रेपीजियम. सो यहाँ पे ये वाला जो पूरा पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन ए बी सी डी ई, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल वन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल टू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्री प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. सो फ्रॉम दिस वे we can conclude that the area of polygon is completely depend on its type. किस टाइप का है पॉलीगन, उसमें कितने डिफरेंट शेप्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, उसके बेस पर से उसका फॉर्मूला है वो वेरी करेगा. नाउ हियर हेक्सागोन है वो गिवन है और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, राइट? तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा डिफरेंट तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला हेक्सागोन है, दैट इज एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर. ये हेक्सागोन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया, आइदर हम सबसे पहले रेक्टेंगल का फाइंड आउट करें और उसमें ऐड कर दें दो ट्राइंगल का, और एल्स यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको अगर हमने बीच में से लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे दो ट्रेपीजियम फॉर्म हो गए. तो आइदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो ट्रेपीजियम का फाइंड आउट करें और वो दोनों को ऐड कर दें. सो बाय दिस वे वी कैन से दैट जो पॉलीगन है उसका हम एरिया है वो डिफरेंट तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सरसाइज नंबर 11.2, क्वेश्चन नंबर 1 इज The shape of the top surface of a table is a trapezium. तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है, उसकी जो टॉप सरफेस है उसकी शेप है ट्रेपीजियम. फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर
1 meter एंड 1.2 meter. यहाँ पे पैरेलल साइड है वो एक है 1 meter की, दूसरी है 1.2 meter की. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 meter. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 0.8 meter. दैट मीन्स कि यहाँ पे हाइट गिवन है 0.8 meter. तो यहाँ पे बहुत ही इजी है इसका एरिया फाइंड आउट करना. यहाँ पे अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रेपीजियम का. सो यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. द शेप ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम. राइट, यहाँ पे टेबल का शेप है वो ट्रेपीजियम है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था ट्रेपीजियम के एरिया का, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो यहाँ पे साइड कौन सी है, एक है 1 meter और एक है 1.2 meter. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1.2 इंटू हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट गिवन है 0.8 meter. तो यहाँ पे हाइट हो जाएगी 0.8 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 + 1.2. तो वो हो जाएगा 2.2 इंटू 0.8. सो यहाँ पे 2 1s are 2 और यहाँ पे 11 2s are 22. बट यहाँ पे ये दोनों के बीच में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम ये दोनों के बीच में पॉइंट रख देंगे. सो अल्टीमेटली क्या करना है, 1.1 × 0.8. सो 11 × 8 कितना हो जाएगा, 88. और यहाँ पे एक नंबर से पहले पॉइंट, यहाँ पर भी एक नंबर से पहले, तो टोटल 2 नंबर से पहले पॉइंट, तो 1 and 2. तो ये 2 नंबर से पहले पॉइंट, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो क्या ऐड कर देंगे, 0. तो यहाँ पे हो जाएगा 0.88 meter square. तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. तो लास्ट में हम लिखेंगे, हैंस एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज 0.88 meter square. सो यहाँ पे हो जाएगा, हैंस एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज 0.88 meter square. क्वेश्चन नंबर 2 इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 centimeter square एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 centimeter एंड इट्स हाइट इज 4 centimeter. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड. तो यहाँ पे क्या गिवन है, एरिया गिवन है ऑलरेडी, दो साइड में से एक साइड की लेंथ गिवन है, एक की हाइट गिवन है, एक हाइट गिवन है. तो इसके बेस पर से हमको जो दूसरी साइड है उसकी साइज कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ. तो इजी है. अगेन क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे हमने ये चीज़ फाइंड आउट की थी. बट इन द क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये चीज़ गिवन है, बट ये दोनों में से एक गिवन है, एक को फाइंड आउट करना है. तो इजी हो जाएगा, सबसे पहले हम रिलेटेड फिगर ड्रॉ कर देते हैं. तो यहाँ पे ट्रेपीजियम है, एक साइड है 10 centimeter, रिलेटेड हाइट है 4 centimeter और ये पूरा इसका एरिया गिवन है, दैट इज 34 centimeter square. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम equals to 34 centimeter square. Now write down the formula. Formula kya ho jayega? Area of trapezium equals to 1/2 into in bracket sum of parallel sides into height. Therefore, area of trapezium कितना given है, 34. तो यहाँ पे हो गया 34 equals to यहाँ पे 1/2 into sum of parallel side. तो एक sum
एक साइड है 10 सेंटीमीटर प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स, तो यहाँ पे हो गया प्लस एक्स इंटू हाइट कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 4, सो इक्वल्स टू यहाँ पे देयर फोर 34 एज इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो गया, रिमेनिंग 10 प्लस एक्स इंटू 2, ओके यहाँ पे ये चीज रिमेनिंग हो गई, देयर फोर 34 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 इंटू 10 20 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, सो देयर फोर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयर फोर यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 20 है वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस 20, सो देयर फोर 2x इक्वल्स टू 34 माइनस 20 कितना हो जाएगा 14, देयर फोर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन ये 2 है वो यहाँ जाएगा तो डिविजन में, सो 14 अपॉन 2, सो 14 अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 7, सो यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बिकॉज ये है 10 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो बाय दिस वे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको जो दूसरी साइड है उसकी भी लेंथ मिल गई, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस लेंथ of the other parallel side is 7 centimeter. So by this way यहाँ पे हो जाएगा length of other parallel side is 7 centimeter. Question number 3 is length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. यहाँ पे length of fence given है trapezium की, that means कि यहाँ पे क्या given है, पूरे trapezium की length given है, that means कि trapezium की perimeter given है. If BC equals to 48 meter, BC 48 meter, CD equals to 17 meter, CD 17 meter, AD equals to 40 meter, AD equals to 40 meter, then find the area of this field. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये फील्ड कैसी है, ट्रेपीजियम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाता है, 1/2 इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. यहाँ पे हाइट क्या होगी, यहाँ पे ए बी है वो हाइट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे लिखा है साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है ए बी है वो परपेंडिकुलर साइड है, तो ये हो जाएगी हमारी हाइट. सो बिफोर अप्लाइंग एरिया फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वी नीड टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ ए बी. सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे ये पूरे फेंस का गिवन है लेंथ दैट इज 120 मीटर, तो 120 मीटर में से ये तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको हाइट मिल जाएगी, और फिर ये हाइट को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इन द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे योर फर्स्ट वी स्टार्ट विद द पेरीमीटर, पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, फील्ड की पेरीमीटर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ अ फेंस, तो यहां पे हो जाएगा लेंथ ऑफ फेंस. ओके सो यहां पे पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ फेंस क्या है, यहां पे फेंस की लेंथ है 120 और पेरीमीटर ऑफ फील्ड, तो यहां पे ये फील्ड की पेरीमीटर क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, जो चारों साइड है उसका सम, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी,
plus BC plus CD plus AD. सो यहाँ पे हो जाएगा therefore AB plus BC plus CD plus AD equals to 120. therefore अब हम टर्न बाय टर्न लिख लेते हैं. AB गिवन नहीं है तो AB as it is plus BC 48 plus CD 17 plus AD 40 equals to 120. therefore AB plus 48 plus 17 plus 40 equals to हो जाएगा 105 equals to 120. therefore AB equals to right hand side पे 120. ये वाला है वो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में से माइनस माइनस 105. तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 माइनस 105 इक्वल्स टू हो जाएगा 15. और ये सारे है मेजरमेंट वो किस में गिवन है दैट इज गिवन इन द मीटर राइट सभी मीटर में है सो ये भी हो जाएगा 15 मीटर. नाउ ए बी क्या थी ए बी थी हाइट. हाइट भी हमें मिल गई सो अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का. सो हियर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल sides into height. So 1/2 into sum of parallel side. तो यहाँ पे parallel side कौन सी है 40 plus 48. तो यहाँ पे हो जाएगा 40 plus 48 into height हमें कितनी मिली 15. So यहाँ पे हो जाएगा into 15. So यहाँ पे 1/2 into 40 plus 48 कितना हो जाएगा 88 into 15. सो अब हम क्रॉस करना चाहे हो जाएगा 2 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 44 2 88. सो यहाँ पे हो जाएगा अल्टीमेटली 44 into 15. सो 44 into 15 कितना हो जाएगा 660. और ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है सो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर. सो दैट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो गया यहाँ पे 660 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ द फील्ड is 660 meter square. Question number 4 is the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter. तो यहाँ पे एक quadrilateral shape की field है उसका diagonal given है 24 meter. Now the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. तो यहाँ पे perpendicular है एक है 18 meter, एक है 8 meter और एक है 13 meter. So based on that, find the area of the field. तो हमें ultimately क्या find out करना है? We need to find out the area of field. तो यहाँ पे shape कौन सा है? Quadrilateral. यहाँ पे shape है quadrilateral. तो किसका formula use करना पड़ेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो हियर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल इन ब्रैकेट h1 प्लस h2. सो हियर 1/2. नाउ डायगोनल कितना है यहाँ पे डायगोनल हम देख सकते हैं डायगोनल इज 24 मीटर. सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 24. नाउ यहाँ पे है हाइट 1 प्लस हाइट
टू. सो हियर अगेन वी कैन सी यहाँ पे हाइट वन है 8 मीटर, यहाँ पे है 13 मीटर. तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 + 13, सो इक्वल्स टू 1/2 × 24 इंटू 8 + 13 कितना होगा 21. नाउ क्रॉस करें, 2 × 1 = 2, 12 × 2 = 24. सो यहाँ पे होगा 12 × 21. सो 12 × 21 कितना हो जाएगा 252. और ये है 12 मीटर, ये है 21 मीटर. सो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर. तो इसका आंसर हो गया 252 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में हम सेंटेंस लिखेंगे, हैंस एरिया ऑफ द फील्ड इज 252 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 5 इज द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है और उसके लिए जो दोनों रिक्वायर्ड चीज है, दो डायगोनल, उसके मेजरमेंट भी गिवन है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली राइट डाउन द फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 d1 × d2. नाउ यहाँ पे हो जाएगा 1/2 × d1 कितना है 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया 7.5 × d2 है 12. नाउ आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 6 × 2 = 12. सो यहाँ से कट हो गया. सो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, यह 7.5 × 6. नाउ 7.5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75/10. पॉइंट को अगर हम रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 10 × 6. नाउ यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 = 10, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 = 6. नाउ हियर 5 × 1 = 5 एंड 15 × 5 = 75. सो अल्टीमेटली क्या है 15 × 3. सो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 3 इक्वल्स टू कितना होगा 45. तो यहाँ पे हो गया 45. नाउ ये दोनों क्या थे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर. सो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सो लास्ट में हम लिखेंगे, हैंस एरिया ऑफ रोम्बस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर. इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. सो यहाँ पे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला था वो अप्लाई किया था, यहाँ पर भी वो सेम चीज होगी. बट एज वी नो के एरिया ऑफ रोम्बस, उसमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ रिक्वायर होती है. बट यहाँ पे तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमें यहाँ पे दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो इसको हम थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे. सबसे पहले तो रोम्बस क्या है, रोम्बस इज वन टाइप ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल. और उसमें भी रोम्बस क्या है, उसमें भी रोम्बस है वो वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है. और वी कैन से रोम्बस है वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, हम रोम्बस को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम टू, therefore area of rhombus equals to, यहाँ पे what is the formula of area of parallelogram, that is base into height. now यहाँ पे मैंने एक rough figure draw कर ली है. यहाँ पे according to the question, यहाँ पे base है वो 5 सेंटीमीटर given है, यहाँ पे एक side है given that is 5 सेंटीमीटर और altitude है वो 4.8. तो यहाँ पे altitude हो गया 4.8. so यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 4.8. so यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे 5 × 4.8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 48/10. 5 × 5 = 5, 2 × 10. नाउ 48 / 2 तो हो जाएगा 24. 2 × 1 = 2,
24 2 48, तो यहाँ पे हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। अब हम अप्लाई करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस। सी ये एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू दी पैरेललोग्राम। नाउ अभी जो एक्चुअल रोम्बस का फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। ये हो गया हमारा एक्चुअल फॉर्मूला। अभी इसमें एरिया ऑफ रोम्बस हमें कितना मिला, 24 इक्वल्स टू हाफ इंटू डी वन। एक साइड का मेजरमेंट गिवन है, वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, तो यहां पे हो जाएगा इंटू 8 इंटू डी टू। नाउ देयरफॉर डी टू, देयरफॉर डी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू है यहां पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 24 इंटू 2 डिनोमिनेटर में 8। सो देयरफॉर डी टू इक्वल्स टू 2 1 2 4 2 8, नाउ 4 1 4 6 4 24। सो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 6। सो दैट मीन्स कि जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे, हेंस लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ऑफ रोम्बस is 6 centimeter. Question number 7 is, the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. So, यहाँ पे according to the question क्या बताया गया है, rhombus shape की tiles है, वो total कितनी use हुई है, 3000 floor पे building बनाने के लिए rhombus shape की tiles use हुई है total 3000। Now यहाँ पे उसको polishing करना है, फ्लोर को पॉलिशिंग करना है और उसकी कॉस्ट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग 4 रुपीज है, तो वो टोटल फ्लोर को पॉलिश करने के लिए कितने रुपीज चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे रोम्बस शेप है तो हमको पता है रोम्बस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक टाइल का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितनी नंबर ऑफ टाइल गिवन है उसके साथ, तो उससे अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर। सो यहाँ पे सबसे पहले द शेप ऑफ अ फ्लोर टाइल इज रोम्बस, देयरफॉर एरिया ऑफ अ टाइल इक्वल्स टू 1/2 डी वन इंटू डी टू। नाउ यहाँ पे क्या है, डी वन डी टू क्या है, यहाँ पे है 45 30, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 45 इंटू 30। नाउ 15 2 30, सो यहाँ पे हो गया 45 इंटू 15, 45 इंटू 15 हो जाएगा 6 75, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये हमें एक एरिया मिल गया, एक टाइल का एरिया मिल गया, अल्टीमेटली हमें पूरा फ्लोर का एरिया चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल। नाउ यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, सपोज ये फ्लोर है, टोटल ये फ्लोर एरिया है। नाउ यहाँ पे एक टाइल है, ऐसी एक टाइल है, ऐसी यहाँ पे पूरे फ्लोर में टोटल कितनी टाइल है, यहाँ पे पूरे फ्लोर में टोटल 3000 टाइल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टाइल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, ये एक टाइल के एरिया को कितनी टाइल है टोटल 300 टाइल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट मीन्स कि ये पूरे फ्लोर एरिया का हमें एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ टाइल्स कितनी गिवन है, 3000 इंटू
एरिया ऑफ वन टाइल वो हमें कितना मिला, 675। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 675 इंटू 3 तो वो हो जाएगा 2025। लास्ट में 30 ऐड करेंगे, 1, 2, 3, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे टोटल 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो हो गया फ्लोर एरिया। नाउ यहाँ पे एरिया फ्लोर हमें पता चल गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, बट यहाँ पे कॉस्ट क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है अकॉर्डिंग टू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1/100 मीटर। नाउ यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1/100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। यहाँ पे 00 है, यहाँ पे 40, यहाँ पे हो गया मीटर स्क्वायर। नाउ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, सो देयरफॉर कितना है, 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2025,000 इंटू 1/10,000, कुछ इस तरीके से होगा। नाउ ये है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो वो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 2025,000 upon 10,000। नाउ यहाँ पे क्रॉस करें, यहाँ पे 000, यहाँ पे 000 क्रॉस हो गया, यहाँ पे 10 पेंडिंग है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर से पहले पॉइंट रख देंगे, तो यहाँ पे हो गया 202.5। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कन्वर्जन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे मीटर स्क्वायर में पता चल गया, अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। नाउ हियर वी राइट कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर equals to 4 rupees. Therefore, cost of polishing the floor of कितना मीटर स्क्वायर है, 202.5 meter square equals to how much rupees? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों क्रॉस में है, तो क्रॉस में होगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 202.5 into 4। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2025 upon 10, बिकॉज पॉइंट है, इसको रिमूव करेंगे तो नीचे हो जाएगा 10 into 4। नाउ यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस 5, 2 जा 10, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, 1 जा 5, और इसको क्रॉस करेंगे 5 से तो 405 into 5 हो जाएगा 2025। तो यहाँ पे हो गया 405 into 2, सो 405 into 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 810। सो यहाँ पे कितने रुपीज हो गए, ₹810। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख सकते हैं, हेंस टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर is ₹810. Question number 8 is, Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. So, यहाँ पे मोहन है, वो
एक ये ट्रेपीजियम टाइप की फील्ड है वो बाय करना चाहता है, और यहाँ पे ये फील्ड के एक साइड में रोड है, एक साइड में रिवर है, एंड दिस टू आर दी पैरेलल। नाउ वन मोर थिंग इज गिवन, यहाँ पे जो रोड वाली साइड है उसकी डबल साइड है रिवर वाली साइड। अकॉर्डिंग टू दी प्लॉट, यहाँ के रोड साइड वाला प्लॉट एरिया है उससे डबल है रिवर साइड वाला प्लॉट एरिया। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 meter square, नाउ ये फील्ड है ट्रेपीजियम फील्ड का एरिया गिवन है, दैट इज 10500 meter square, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 meter। और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइट गिवन है वो है 100 meter। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड अलोंग द रिवर। तो ये रिवर साइड वाले जो या रिवर साइड है उसकी हमें लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम करके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे द साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, दिस इज ऑलरेडी गिवन। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अज्यूम करें रोड साइड को एक्स, द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड बी एक्स मीटर। अगर यहाँ पे इसको अगर हम x मीटर कंसीडर करें तो ये रिवर साइड क्या हो जाएगी, इसकी डबल, तो ये हो जाएगी 2x। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर विल बी 2x मीटर। नाउ अभी हमें क्या करना है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। अभी 1/2 इंटू दोनों पैरेलल साइड, तो एक साइड है x, दूसरी साइड है 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2x इंटू हाइट। हाइट कितनी गिवन है, हाइट गिवन है 100 meter, तो यहाँ पे हो गया इंटू 100। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सी यहाँ पे गिवन है द एरिया ऑफ दिस फील्ड, ये फील्ड का एरिया, और ये फील्ड कौन से शेप की है, ट्रेपीजियम की, दैट मींस की एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑलरेडी गिवन, दैट इज 10,500। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह पे 10,500। सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 10,500 इक्वल्स टू 1/2 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 2x इंटू 100। यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 10,500 एज इट इज, हियर 1/2 इंटू x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पे 100 एज इट इज। नाउ देयरफॉर 10,500 इक्वल्स टू, यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कट करें 2 1 2 50 2 100, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो गया, रिमेनिंग इज 3x इंटू 50। सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 10,500 इक्वल्स टू 3x इंटू 50, 5 3 15, 0 एज इट इज, x एज इट इज। सो यहाँ पे हो गया 150x इक्वल्स टू 10,500, देयरफॉर x कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिविजन में चला जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा 10,500 अपॉन 150। सो यहाँ पे आगे क्रॉस करेंगे तो कैसे क्रॉस होगा, 0 से 0 क्रॉस हो गया। नाउ 15 × 7 इक्वल्स टू 105, और एक 0 है वो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 70। सो यहाँ पे हो गया देयरफॉर x इक्वल्स टू 70। नाउ 70 क्या हो जाएगा, 70 meter। सो यहाँ पे हो गया 70 meter, बट 70 meter है वो x है, और x कौन सा है, रोड साइड, बट क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिवर साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 2x इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू 70 है, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 70, 7 2 14, 0 एज इट इज, एंड लास्ट में यूनिट मीटर। सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 140
मीटर। तो लास्ट में हम एक एंडिंग सेंटेंस लिखेंगे, हैंस द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर इज 140 मीटर। और उसके साथ साथ अगर हमें क्वेश्चन में रोड साइड भी पूछी हो तो वो हो जाएगी 70 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 इज, टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो यहाँ पे ऑक्टागॉन गिवन है, ऑक्टागॉन क्या होगा, हो जाएगा वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के केस में हमने क्या देखा था, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगा वो सारे पार्ट्स का हम इंडिविजुअली एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको लास्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर ये पूरा ऑक्टागोन है, वो थ्री पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो ट्रेपीजियम है और यहाँ पे सेंटर में एक रेक्टागोन है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सबसे पहले रेक्टेंगल और उसके बाद ये दोनों ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको एड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सबसे पहले हियर ऑक्टागॉन इज डिवाइडेड इन टू ट्रेपीजियम एंड वन रेक्टेंगल। राइट, यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर दो ट्रेपीजियम है एक रेक्टेंगल है। सो यहाँ पे हो गया देयरफॉर एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम, यहाँ पे हमने दोनों साथ में बिकॉज मेजरमेंट सेम ही है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे है रेगुलर ऑक्टागॉन। रेगुलर ऑक्टागॉन मीन्स की यहाँ पे जो सारी साइड है वो सारी साइड का मेजरमेंट सेम ही होगा। तो यहाँ पे 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम इक्वल्स टू, दो ट्रेपीजियम का फाइंड आउट करना है सो दैट इज वाई हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पे 2 इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली। तो इसका मेजरमेंट कितना होगा, 5 मीटर, बिकॉज सभी का 5 मीटर होगा, रेगुलर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस ये वाली साइड है 11 इंटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट इज 4। सो यहाँ पे हो गया 4। नाउ हियर 2 से 2 क्रॉस हो गया, यहाँ पे 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 16 इंटू यहाँ पे 4, 16 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64, ये मीटर है ये मीटर है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स कि दो ट्रेपीजियम का एरिया कितना हो गया 64 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों का अभी हमें मिल गया, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ है 11, दिस इज 11 एंड ब्रेथ कितनी है 5, सो इनटू 5, 11 इनटू 5 कितना हो जाएगा 55 एंड मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो ट्रेपीजियम का मिल गया, एक रेक्टेंगल का मिल गया, तो अल्टीमेटली ये जो पूरा ऑक्टागॉन है उसका भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ऑक्टागॉन और वी कैन से रेगुलर ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम दैट इज 64 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 55। तो यहाँ पे हम मैं लिख ले रही हूँ 64 प्लस 55, तो 64 प्लस 55 क्या हो जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। ओके, ये दोनों है मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 119 मीटर स्क्वायर।
सो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे हैंस द एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागोनल सरफेस is 119 meter square.